न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह पर आयोजित संगोष्ठी में बोले वक्ता, जीरो बजट खेती से बदलेगा किसानों का भविष्य, करना होगा गायों का संवर्धन। बिहार प्रांत के कई जिलों में आतंक का पर्याय बने दो शातिर इनामी बदमाशों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। हत्या, रंगदारी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में थे शामिल, हो सकता है कई बड़े मामलों का खुलासा। गोरखपुर दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा हिमाचल के राज्यपाल ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना, संतों को भी अर्पित किया श्रद्धा सुमन। रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, बरामद हुए लाखों के सामान, अकेले ही देता था ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम। विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों पर एससी एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमा पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, सीएम से मुलाकात कर बताई अपनी पीड़ा, मिला आश्वासन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में पहुंचकर गायों को दुलारा खिलाया पुष्टाहार, हिमाचल के राज्यपाल भी रहे मौजूद। कैंसर जागरूकता अभियान और निःशुल्क जांच शिविर में 70 लोगों का हुआ जांच, चिकित्सकों ने बताए कैंसर होने के कारण, लक्षण और उपचार के उपाय। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित राम कथा में कथावाचक ने किया राम सीता विवाह का चित्रण, मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। 17 गिफ्ट पैक और 15 मिठाइयों की नई रेंज का दीपावली पर अपने ग्राहकों को बिकानो देगी तोहफा। अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में विज्ञान संकाय ने वाणिज्य संकाय, कला संकाय ने विधि संकाय को और महिला वर्ग में कला संकाय ने विज्ञान संकाय को हराया। और जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन, गोला क्षेत्र के छात्र और खजनी क्षेत्र की छात्राएं रही ओवरऑल विजेता।